इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोसेस को शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हम आइडिया जनरेशन करते हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, कैसे फॉन्ट सिलेक्शन करना होता है, कलर सिलेक्शन कैसे करना होता है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग को मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस टेम्पलेट को डिजाइन किया है जो कि है सोमा फूड टेम्पलेट। तो इसको डिजाइन करने में कैसे मैंने कलर सेलेक्ट किया, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में मैं अपने डिजाइनिंग प्रोसेस को ब्रेकडाउन मेथड से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न दीज ऑल थिंग्स, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राजेश, आई एम ए कैनवा क्रिएटर एंड कैनवेस्टर। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में पता चल गया है कि इस वीडियो में मैं अपने डिजाइनिंग प्रोसेस को, डिजाइनिंग स्टेप्स को, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्रॉम द आइडिया जनरेशन, इंस्पिरेशन एंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आपको कोई भी टेम्पलेट डिजाइन करना होता है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपको किसके बारे में टेम्पलेट डिजाइन करना है। जैसे मैंने चूज किया है इस फूड टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए। अब फूड में भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे बिरयानी टेम्पलेट हो गया, या लंच फूड हो गया, या बॉफेट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वास्ट फील्ड है। तो इसमें किस टॉपिक के ऊपर आपको एक डिजाइन टेम्पलेट क्रिएट करना है वो चीज आपको पहले चूज करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस स्वर्मा को चूज किया है जिसका मैं प्रॉपर टेम्पलेट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस स्वर्मा फूड टेम्पलेट मेरा डिसाइड हो गया कि स्वर्मा के लिए हमें एक टेम्पलेट डिजाइन करना है। तो इसी से रिलेटेड हम इंस्पिरेशन सर्च करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आपको टेम्पलेट की जो साइज है वो कितना चाहिए। तो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट साइज को सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसके लिए हम चलते हैं पिंटरेस्ट पे और समझते हैं कि कैसे हम वहां पे इंस्पिरेशन सर्च करते हैं एंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो इसके लिए अब चलते हैं स्क्रीन पर और सब चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पिंटरेस्ट पे आ चुके हैं। एक चीज आप जान लो कि पिंटरेस्ट पे आपको किसी भी टाइप के टेम्पलेट का इंस्पिरेशन मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें सोमा के लिए टेम्पलेट चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये ऑलरेडी सर्च किया हुआ था, जैसे शर्मा प्रोमोशनल एड्स क्रिएटिव। जब किसी भी चीज के लास्ट में ये एड्स क्रिएटिव डाल देते हो तो थोड़ा बहुत आपको क्रिएटिव डिजाइन आपको मिलने लगता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको वर्ड्स के साथ प्ले करना है, डोंट वरी, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे आपको यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो आपको इन टेम्पलेट्स को एज इट इज नहीं बनाना है। जैसे कि ये है एज इट इज, अगर आप बना दे रहे हो तो आप अपने डिजाइन को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आप कुछ बेहतर, कुछ अलग नहीं क्रिएट कर रहे हो। बस आपको ऑब्जर्व करना है विथ ओपन आइज एंड ओपन थॉट्स कि क्या टेम्पलेट्स में क्या यूज हुआ है। जैसे इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, यू विल सी कि ये जो फॉन्ट है ये डिस्प्ले फॉन्ट यूज हुआ है, देन स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज हुआ है, मीन्स यू कैन से हैंड राइटिंग फॉन्ट ऑल्सो। कलर आप ऑब्जर्व करो और ये स्टाइल टोटली ऑब्जर्व करो। देन उसके बाद से अगर और भी कोई देखते हो, जैसे इफ यू विल सी योर, यहाँ पे भी ये डिस्प्ले फॉन्ट यूज हुआ है और ये सेंस सेरिफ फॉन्ट है, कलर्स को ऑब्जर्व करो। ओवरऑल आपको क्या करना है, किसी भी टेम्पलेट्स को अगर आपको देखना है ना तो आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व ये करना है कि उसमें कैसे कलर्स यूज हो रहे हैं, क्या स्टाइल फॉलो हो रहा है। और आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सी स्टाइल्स को यूज करना चाहिए। जैसे अगर आप इस चीज को देखो, यू विल फाइंड हियर कि कुछ इस तरीके से टेम्पलेट्स बना हुआ है। जैसे कि आपको एक चीज कॉमन सब में दिखेगा, ये लीफ, ये जो टोटल कटआउट जो पीएनजी है, कलर सीन की जो देखो, ये सारी चीजें ओवरऑल कॉमन आपको दिखेगी। तो इस तरीके से यहाँ से आप मूड बोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कैनवा में यहाँ पे अपना मूड बोर्ड क्रिएट किया हुआ है इसके लिए। जैसे एक टेम्पलेट तो ये खुद मैंने ही डिजाइन किया था पहले, तो ये जो इसमें जो कलर सिलेक्शन का ये और इंस्पिरेशन का जो आइडिया था यहीं से मैंने पिंटरेस्ट से ही लिया था। और कलर सिलेक्शन का प्रोसेस इसी स्वर्मा से ही था, इसी में से मैंने कलर सेलेक्ट करके ओवरऑल सब कुछ को फॉलो किया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैंने डिस्प्ले फॉन्ट यूज किया है, देन स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज किया है, एंड देन बाकी डिटेलिंग्स के लिए हमने सैंस सेरिफ फॉन्ट को यूज किया हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे पीएनजी वगैरह जो भी कटआउट पीएनजी है उसको हमने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज सब में कॉमन दिख रहा है, दैट इज वी कैन यूज डिस्प्ले फॉन्ट फॉर द दिस राइटिंग दिस स्वर्मा। तो इसके लिए हम एक डिस्प्ले फॉन्ट को हम में माइंड में हो गया, या आप कहीं लिख भी सकते हो कि हमें डिस्प्ले फॉन्ट हेडिंग के लिए, मतलब मेन चीज के लिए यूज करना है। कलर्स आप देख लो कि आफ्टर ऑल किसी भी फूड टेम्पलेट्स में कलर क्या होता है, जनरली हॉट कलर मीन्स वार्म कलर यूज किया जाता है। तो वार्म कलर यूज करने के लिए यू नो इट वेरी वेल। अगर आपको नहीं पता कि वार्म कलर होता क्या है तो यार यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो वार्म कलर।
एंड यू विल फाइंड हियर रेड, ऑरेंज और येलो। तो इसी के टिंट्स एंड शेड्स में जा सकते हो, वार्म कलर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वार्म कलर हम यहाँ से पिकआउट कर लेंगे। पिक करने के बाद से अब इन्हीं के अराउंड रहना है, इसी चीज के अराउंड। जैसे आप देखो येलो है और डार्क रेड या रेड टाइप में हमें कलर को सेलेक्ट करना है। तो अब हमारे डिस्प्ले फॉन्ट हो गया एक चीज, कलर हो गया दूसरा। इसमें आप देखो कि स्क्रिप्ट टाइप में भी बहुत सारी चीजें यूज हुई, कहीं कहीं पे सबने नहीं यूज किया है। जैसे इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन्होंने स्क्रिप्ट नहीं यूज किया है, लेकिन कुछ में स्क्रिप्ट टाइप में, जैसे ये आप देखो ये हैंड टाइप में कुछ डिजाइन एलिमेंट यूज किया गया है। और यहाँ पे और एक चीज को ऑब्जर्व करो, जो इसके बॉडी टेक्स्ट है ये सैन सेरिफ में लिखा हुआ है, बाकी अदर चीज आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें क्लियर हो गई, जैसे कि फॉन्ट हो गया, कलर हो गया और स्टाइल्स हमें क्लियर हो गया। अब हमें प्रॉपर टेम्पलेट को डिजाइन करना है। तो जैसे आप देखो कि मैंने जो डिजाइन किया, तो सबसे पहले मेरा टेम्पलेट कुछ ये दिख रहा था, बट मैं थोड़े बहुत लेआउट को चेंज किया। जैसे मैंने यहाँ पे हैंड राइटिंग या स्क्रिप्ट फॉन्ट कह सकते हो, इसको मैंने यूज किया। एंड देन उसके बाद से हमने इसकी प्लेसिंग को यहाँ रखा है, इसको यहाँ पे रखा है, तो हर एक चीज को। लेकिन फाइनल जो मैंने डिजाइन, मुझे जो पसंद आया, फाइनल लेआउट जो मैंने क्रिएट किया वो कुछ इस तरीके से था। तो ओवरऑल मैं किसी भी टेम्पलेट को क्रिएट कर रहा होता हूँ, ऐसा नहीं कि फाइनल हम एकदम आउटपुट पे, जो आप किसी भी टेम्पलेट को मेरे देख रहे होते हो सोशल मीडिया हैंडल पे, वो एक ही बार में आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजों को ट्राइड एंड टेस्टेड करना पड़ता है कि कौन सा लेआउट अच्छा लगेगा किस चीज की। तो ये लेआउट हमें पसंद आया और इसी को हम प्रॉपर डिस्कस कर रहे होंगे इन डेप्थ में, इन डिटेल में। और इसको मैं ब्रेकडाउन मेथड से हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि कम समय में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको यहाँ से पता चल गया कि इंस्पिरेशन कैसे लेते हैं, कैसे हम फॉन्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, कलर का आपको पता चल गया। अब डिटेल में एसेट्स क्या है, हम क्या एसेट्स को यूज कर रहे हैं इस टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए, वो आप देख लो। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में हमने सोमा यूज किया, ऑफकोर्स यही यूज होगा। तो यहाँ पे मैंने दो कटआउट पीएनजी यूज किया है। अब ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए बहुत ईजी है, एलिमेंट्स में जाओ और आपको यही पे मिल जाएगा। फोटोज के ऑप्शन में जाओगे, आप देख सकते हो कि बहुत सारे कटआउट पीएनजी आपको मिल जाते हैं, एज यू कैन सी। तो आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो, चॉइस टोटली आपके ऊपर है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अदर जो भी इमेज है उसको फाइंड आउट कर लेना, जैसे कटआउट ऑनियन स्लाइसेस, रेड टोमेटो। एक चीज को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने चिली का नहीं यूज किया, तो आप चिली भी यूज कर सकते हो। अगर आप इंस्पिरेशन टैब में देखो, जो हमने मूड बोर्ड तैयार किया था, मूड बोर्ड में यहाँ पे जैसे आप देखो कि इन्होंने चिली यूज किया है, और ऑफकोर्स स्पाइसी है थोड़ा बहुत, तो इसमें यूज कर सकते हैं हम। तो ये कटआउट कुछ हमने यूज किया है। कलर्स के फॉर्मेट में अगर आप देखो, तो मैंने रेड, जो मतलब रेड और येलो का मिक्सर, हमने ऑरेंज टाइप में कुछ ये कलर यूज किया है। और ये कलर अगर आप इसको मैं बड़ा करूँ, इफ यू विल सी, इसका थोड़ा लाइटर वर्जन, जो इसमें हम एलिमेंट फूड में जो होता है स्वामा में, वैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट क्या करें, डिजाइनर है, क्रिएट करना पड़ता है किसी चीज के बारे में भी। तो यहाँ पे आप देखो इसी से रिलेटेड हमने लाइटर टोन में इसको यूज किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे आप देखो कि रेड, डार्क रेडिश टाइप में, डार्क उतना भी नहीं है बट रेडिश टाइप में हम यूज किए हैं दो कलर, एक ही मतलब आप देख सकते हो कि शेड्स में और टिंट्स में आएगा। और ये एक ब्लैक कलर फॉर द फॉन्ट्स। और टाइपफेस में अगर आप देखो, तो हमने डिस्प्ले फॉन्ट एक यूज किया है। देन यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट के लिए हमने सैंस सेरिफ फॉन्ट को यूज किया है, और ऑल्सो एंटोन फॉन्ट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले फॉन्ट ऐसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया। अब डिस्प्ले फॉन्ट को सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि कैनवा में बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। तो कैसे सर्च करना होता है, जस्ट हियर एट दिस सर्च टैब आप जस्ट लिख दो डिस्प्ले। यहाँ पे आपको एक एक को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करके देखना होगा। अगर आपको नहीं पता कि मतलब कौन सा फॉन्ट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप वन बाय वन, ऐसे मैं कर रहा होता हूँ, मतलब सच में मैं ऐसा कर रहा होता हूँ कि मैं ऐसे वन बाय वन क्लिक करके देख रहा होता हूँ कि कौन सा फॉन्ट मेरे लिए इस टेम्पलेट में बेहतरीन होगा। और जो भी अच्छा लग जाता है, जैसे कोई एक टेम्पलेट मैंने लिया, जैसे ये फॉन्ट मेरे को सपोज अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको इसी तरीके से रह लूंगा, फिर डुप्लीकेट कर लूंगा और भी अदर फॉन्ट को मैं चेकआउट कर रहा हूँ, जो भी टाइप फेस यहाँ पे अवेलेबल है, क्यों वो मेरे टेम्पलेट पे कैसे दिखेगा। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर जो भी फॉन्ट होता है उसको सेलेक्ट कर रहा होता हूँ। अगर आपको स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करना है, तो जस्ट आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज कर लेना होगा। जस्ट टाइप द स्क्रिप्ट, हियर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट फॉन्ट। और वन बाई वन आपको एक एक को देखना पड़ता है कि मतलब क्या, कौन से टेम्पलेट में क्या फॉन्ट यूज करना है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे कि अगर आपको ये सारी स्ट्रगल नहीं करना है, तो एक और ऑप्शन ये बचता है कि यूज चैट जीपीटी। इफ यू विल सी हियर, तो यहाँ पे मैंने सोमा एड्स पोस्टर जो भी है, इसके लिए हमने कंटेंट तैयार किया था यहीं से, कि इसमें हम क्या हेडिंग रखने वाले हैं। तो आप देखो कि हेडिंग जो है
यहीं से मैंने पिक किया था, 1 सेकेंड, सेवर द फ्लेवर्स ऑफ शवरमा, बोल्ड हेडलाइन। अब यहाँ से ही आप फॉन्ट इससे पूछ सकते हो चैट जीपीटी से कि फॉन्ट हमें क्या यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम फॉन्ट क्या यूज कर सकते हैं। यू विल सी हियर, हेडलाइन के लिए ये बोल्ड फॉन्ट बेबस न्यू या मोंटसेरात एक्स्ट्रा बोल्ड यूज कर रहा है, रेलवे यूज कर रहा है, मतलब सब हेडिंग के लिए रेलवे, और मेन बॉडी के लिए लैटो एंड ओपन सेंस, कुछ इस तरीके से। ये प्रॉपर आपको किसमें कौन सा फॉन्ट को यूज करना है चैट जीपीटी आपको बता देता है, तो ये चाहो तो यूज कर लो, नहीं तो अगर आप इंस्पिरेशन से, इंस्पिरेशन टैब में जाने के बाद से अगर आप फॉन्ट को पहचान पा रहे हो कि कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, या आप स्क्रॉल करने में, मतलब कैनवा में आप स्क्रॉल करके फाइंड आउट करने में एक्सपर्ट हो कि कौन सा फॉन्ट हमें बेहतरीन है, कौन सा यूज करना चाहिए, मेरे जैसे अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो ये चीज कर सकते हो, तभी एक बेहतरीन फॉन्ट को आप सेलेक्ट करके अपने डिजाइन को बेहतरीन बना पाओगे। तो आई होप कि फॉन्ट सेलेक्शन आपका क्लियर हुआ होगा कि कैसे कर सकते हैं। एक तो आप स्क्रॉल करो भाई, इंस्पिरेशन लो, देन उसके बाद से यहाँ पे आके बहुत सारे फॉन्ट्स में से किसी एक फॉन्ट को पिक करो जो आपको लगे कि दिस इज गोइंग टू बी फिट फॉर योर डिजाइन। दूसरा एक ऑप्शन है कि चैट जीपीटी से आप पूछ लो, या आप गूगल भी कर सकते हो, चॉइस टोटली आपके ऊपर है। बट मेनली जो मैं यूज कर रहा होता हूँ, मेनली मैं स्क्रॉल करके यहाँ से फाइंड आउट कर रहा होता हूँ इस टोटल ओवरऑल कैनवा लाइब्रेरी फॉन्ट से, ठीक है। और ग्राफिक में जो हमने यूज किया है अंडरलाइन हैंड फॉन्ट, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट फॉन्ट को यूज नहीं किया है, तो इसीलिए हमने थोड़ा स्क्रिप्ट, थोड़ा हैंड राइटिंग, मतलब खाने वाली चीज है तो भाई थोड़ा सा तो फील आना चाहिए कि हाँ भाई कुछ है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट अंडरलाइंस को यूज किया हुआ है। यू कैन सी हियर, देन रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप विथ राउंडेड कॉर्नर्स, रेक्टेंगल आइकन्स जो हमने यूज किया है कुछ ये है। तो बाय द वे ये आइकन्स मैंने ही डिजाइन किए, अगर आपको ये आइकन्स मेरे या मेरे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, मेरे जो भी ग्राफिक्स है, तो आपको जस्ट टाइप करना है आपका राजेश, यू विल फाइंड ऑल माई ग्राफिक्स जो भी मैंने क्रिएट किया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्राफिक्स को क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो मेरे एलिमेंट्स को भी, एंड ब्लैक शैडो मैंने यहाँ पे यूज किया। तो ये एसेट्स को हम यूज कर रहे होंगे अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग, आपको इंस्पिरेशन लेना है, इंस्पिरेशन लेने के बाद से मूड बोर्ड केवल ऑब्जर्व करना है, मूड बोर्ड तैयार करना है, फॉन्ट फाइंड आउट करना है कि फॉन्ट क्या इसमें यूज हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे अपने जो भी आप एक मूड बोर्ड ही तैयार कर रहे हो, तो यहीं पे आप कोई भी ऐसा टेक्स्ट ले लो, और टेक्स्ट लेने के बाद से आप यहाँ पे ही इसको जूम करके अपने फॉन्ट को सेलेक्ट कर लो कि कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना चाहिए। स्क्रॉल करो यहाँ पे अगर आपको स्क्रॉल करना है, तो नहीं करना तो आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाओ, जो चीज का पोस्टर बना रहे हो उसका नाम डालो, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे फॉन्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं करना तो जस्ट फाइंड आउट, जस्ट आप यहाँ पे और सिंपलिस्ट कर सकते हो, गिव मी द बेस्ट फॉन्ट विच आई कैन यूज इन दिस डिजाइन। ओवरऑल यहाँ पे भी वर्डिंग का खेल है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वर्ड्स जितना बेहतरीन तरीके से वर्ड्स के साथ प्ले अराउंड करोगे उतना आपको बेहतर डिजाइन इंस्पिरेशन मिलेगा, उसे यहाँ पे भी वही सेम चीज है। वर्ड्स के साथ अगर आप प्ले करना जानते हो तो आप चैट जीपीटी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और आप अपने डिजाइन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो फॉन्ट आपका क्लियर हो गया। कलर आपको एक चीज मैंने आपको बता दिया कलर सिलेक्शन का, इसी से आपको देख लेना है, और आपको ये भी जान लेना है कि उस एरिया में क्या फॉन्ट क्या कलर यूज होता है। कलर थ्योरी अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको ये चीजें बहुत ईजी है समझना कि कैसे क्या है। एंड देन उसके बाद से मैंने आपको अपना एसेट्स बता दिया, अब मैं आपको ब्रेकडाउन मेथड से कंप्लीट इस टेम्पलेट के डिजाइन के प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने क्रिएट किया है। इफ यू विल सी हियर, सबसे पहले तो आपको एक 1080x1080 जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट साइज का पोस्ट का साइज है, अगर आपको नहीं पता तो कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको कैनवा ओपन करना है, और यहाँ पे जस्ट यू कैन सी हियर इंस्टाग्राम पोस्ट, तो जस्ट आपको इसी पे क्लिक कर देना है और आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो जस्ट लाइक दिस ब्लैंक पेज मिला, उसके बाद से हम इसके बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। अब बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ऑप्शन ये है कि मैं एक कलर में लिख लूँ, बट आई डोंट लाइक दिस थिंग, मैं बैकग्राउंड के साथ अलग अलग चीजें यूज करना चाहता हूँ, अलग अलग चीजों के साथ प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट को क्रिएट करने को सोचा है। ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में ग्रेडियंट क्रिएट करके दिखाया हुआ है, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखो कि कोई भी कलर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सॉलिड कलर का और ग्रेडियंट का, तो ग्रेडियंट पे जाना है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने कलर रखा है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये एसेट्स फाइल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप क्रिएट कर सकते हो, खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये उसके बाद से यहाँ पे दूसरा कलर, और यहाँ पे जैसे अब देखो कि मैंने ट्रांसपेरेंसी को कम रखा है,
और देन उसके बाद से यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और यहाँ पे आप स्टाइल में देखो, अपसाइड डाउन अगर मैं ऐसा करता तो ये यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसको कराऊँ तो सेंटर में ऐसे हो जाएगा। तो अलग अलग स्टाइल्स के साथ आप प्ले कर सकते हो। मुझे ये स्टाइल पसंद आया और पर्सनली मुझे लगा कि इसके थ्रू जाना चाहिए, तो इसके मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे जो भी स्वरमा है उसको मैंने पेस्ट किया। अब ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्वरमा को मैं प्लेस तो किया हूँ, बट इस वाले में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे शेडो यूज किया है। शेडो के लिए यू कैन गो टू द एडिट ऑप्शन, हियर यू विल फाइंड द शेडोज ऑप्शन। यहाँ पे आपको इफेक्ट में शेडोज के ऑप्शन में ड्रॉप यूज करना है। कुछ ये नंबर्स है जिसको मैंने पुट करने पे ये शेडो बना पाया हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे बैकएंड में कुछ नहीं है, कोई भी शेडो नहीं है, बिकॉज दिस इज स्टैंडिंग। यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना है कि कहाँ पे किस तरीके से अगर हम प्लेस करते हैं तो शेडो किधर आएगा, किस पे शेडो बनेगा, किस पे लाइटिंग होगा, ये सारी चीजों को भी आपको क्या लगता है। बट यू विल फाइंड दिस वन थिंग कि इस पे मैंने इसके कलर को, मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से इसके कलर को मैंने एडिट किया है, एडजस्ट किया है। यू विल सी यहाँ पे जो स्लाइडर्स है, मैं इनके साथ थोड़ा बहुत प्ले अराउंड करता हूँ। कोई भी टेम्पलेट्स मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ तो थोड़ा बहुत मैं स्लाइडर्स के साथ प्ले कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा ओवरऑल इमेज काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि -14, 16, 39, -50 और नीचे कुछ मैंने चेंजेस नहीं किया हुआ है। इसको चेंजेस करने से ओवरऑल थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा बेहतरीन और अच्छा लगने लगता है। उसके बाद से यहाँ पे मैं शेडो को प्लेस किया। जैसे कि आपको मैंने बताया कि थोड़ा बहुत आपको इमेजिनेशन थिंकिंग भी रखनी होगी कि कैसे हम शेडो कहाँ पे आएगा। तो शेडो कुछ इस तरीके से, अब शेडो की मैंने बहुत सारी लोगों को प्लेसिंग देखा है कि कैसे भी शेडो को प्लेस कर देते हैं, नहीं वैसे नहीं, मतलब जरा अपने थॉट स्किल्स को यूज करो कि शेडो कैसे बनेगा, लाइट किधर से पड़ेगा, कैसे क्या होता है। तो ये पुट किया हुआ है, तो इस तरीके से मैंने कुछ शेडो प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे कोई शेडो, कोई इस पे शेडो नहीं लगाया। तो इफ यू विल सी हियर, यहाँ पे मैंने दो शेडो, मतलब एक ये शेडो रहा, अब ये शेडो जो यूज किया है, एक ये ब्लैक शेडो जो ड्रॉप टाइप में है, तो इसको मैंने प्लेस किया हुआ है। प्रॉपरली प्लेस करने के बाद से यहाँ पे मैंने स्वामा को लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस टाइप को लिखने के लिए एक चीज का ध्यान देना कि अगर आप स्वामा लिखते हो एस एच ए, यहाँ पे फॉन्ट हमने सेलेक्ट किया है फ्यूचरा डिस्प्ले और इसको हमने ऑल कैपिटल रखा है। कलर जो है व्हाइट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर व्हाइट इसलिए नहीं सेलेक्ट हुआ क्योंकि ऑल सेलेक्शन नहीं था। ऑल सेलेक्शन के बाद से कुछ इस तरीके से, अब ये चाहो तो आप कुछ इस तरीके से भी रख सकते हो, बट ये स्टाइल मैंने फॉलो नहीं किया। मतलब इसको इस तरीके से डुप्लीकेट करके आप कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करते जाओगे तो ये इक्वल स्पेसिंग पे अपने आप हो जाता है। अब ये वाली स्टाइल मैंने क्यों नहीं फॉलो किया, क्योंकि तो ऑलरेडी मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर चुका हूँ जिसमें ये स्टाइल्स को फॉलो किया है। और इसमें जो फॉन्ट मैंने यूज किया है ये नॉर्वेस्टर फॉन्ट है, नॉर्वेस्टर, रिमेम्बर दिस थिंग। और इसके एडिटेबल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए नहीं फॉलो किया, सो थॉट कि मुझे थोड़ा रोटेशन करना चाहिए। और जैसा कि आप देखो कि इंस्पिरेशन टैब में भी लोगों ने इसको थोड़ा बहुत टेढ़ा रखा हुआ है, उसी ने सीधा रखा है, ये टेढ़ा, ये टेढ़ा थोड़ा सा, ये टेढ़ा थोड़ा सा, सो थॉट कि मुझे कुछ टेढ़ा करना चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से टेढ़ा कर दिया और जस्ट इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया एक को, और इसको भी इस तरीके से, और कंट्रोल डी प्रेस करते जाओ, ओवरऑल बन गया। अब इन सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए जस्ट ड्रैग कर दो, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आपको दिख जाएगा कि एडजस्टमेंट सही है कि नहीं। अगर नहीं सही लगता है तो थोड़ा और जूम कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं डिक्रीज कर दिया है 7 तक। मतलब ये तो आपको अपने स्क्रीन पे दिखेगा कि आप कितना कर सकते हो, मैंने इसको थोड़ा डिक्रीज किया है और लेयर्स में जाके इसको बैक में सेंड कर दिया, ठीक है। ये वाला रह गया तो इसको भी हम कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी। अब एक चीज का ख्याल रखना है, एक चीज मुझे जो इसमें लगा कि यहाँ पे नीचे आते आते ये लिफ्ट मतलब ज्यादा दिख रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मैं सोच रहा था कि ये ऊपर जाते जाते ज्यादा दिखे, नीचे पूरा मतलब सब मर्ज हो जाए। तो इस मर्ज को करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्रेडियंट अप्लाई किया। अब ग्रेडियंट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको एक रेक्टेंगल लेना है, यहीं पे जाना है और यहाँ पे जो भी कलर की ग्रेडियंट क्रिएट करना है उस कलर को सेलेक्ट करना है, इसी पे वन टाइम मोर क्लिक करना है। जैसा कि आपको मैंने बताया ग्रेडियंट वाले में कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जस्ट आपको जो भी कलर है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर यहाँ पे भी पेस्ट करना है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद से इनके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा डिक्रीज करना है ताकि ऊपर मतलब एक साइड जाते जाते जीरो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 50 रख दिया और इसको मैंने जीरो कर दिया। एंड यहाँ पे आप स्टाइल चूज कर सकते हो, तो यही स्टाइल सही है। और इसको कुछ इस तरीके से हमने रोटेट कर देंगे जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे आप पोजीशंस का हेल्प ले सकते हो, पोजीशन से जाके आप जितने टेक्स्ट हैं उसके ऊपर रखना है।
तो उसके ऊपर हमने यहाँ पे इस तरीके से रख लिया। एंड नाउ इट इज क्लियर, यू विल सी हियर कि नीचे मर्ज हो गया है, बट ऊपर जाते जाते टेक्स्ट थोड़ा बहुत रिवील हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा लुक अच्छा दे रहा है। एंड यहाँ पे उसके बाद से हमने सेवर द फ्लेवर्स ऑफ शॉर्मा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने चैट जीपीटी का यूज करके इस कंटेंट को लिखा है, तो यहाँ पे देखो ये रहा बोल्ड हेडलाइन में, ये चैट जीपीटी ने प्रोवाइड किया था। मैंने इसको थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि राइट द कंटेंट फॉर डिजाइनिंग प्रोमोशनल एड्स फॉर पोस्टर फॉर शॉर्मा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया। फिर मैं थोड़ा इसको और बेटर मॉडिफाई करने के लिए कहा, तो यहाँ पे ये लाइन प्रोवाइड किया, तो मैंने इस लाइन को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद से यहाँ पे स्क्रिप्ट को थोड़ा मतलब हैंड राइटिंग टच देने के लिए मैंने यहाँ पे इस एलिमेंट को यूज किया, और जैसे कि इस एसेट्स में भी देख सकते हो दिस वन, और यहाँ पे जो बॉडी टेक्स्ट है इसको भी मैंने चैट जीपीटी से ही लिया है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे सब हेडिंग जो है वो चीज, तो यहाँ प्लेस किया। अब इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे बस एक रेक्टेंगल प्लेस किया, नथिंग मोर, ये आप देख सकते हो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को बस शॉर्ट करके मैंने प्लेस किया। और एक चीज का आप ख्याल रखना, यहाँ पे रूलर्स का आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो, जैसे आप देखो कि मैं रूलर्स एंड गाइड्स का यूज कर रहा होता हूँ, ताकि मैं अपने टेम्पलेट का अलाइनमेंट, मैं अपने टेम्पलेट्स को एक गाइड से एक बेहतर अलाइनमेंट में क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, तो रूलर्स ऑन करने के लिए जस्ट फाइल्स में जाना होता है, सेटिंग्स में जाना होता है, और यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है शो रूलर्स एंड गाइड्स, जस्ट इसको ऑन करना होता है, और ऑन करने के बाद से आप प्लेस कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। उसके बाद से हमने यहाँ पे जो भी आप यू विल सी हियर दिस रेक्टेंगुलर शेप विथ राउंडेड कॉर्नर्स, इसको मैंने प्लेस किया हुआ है फॉर राइटिंग इट्स टाइप, तो यहाँ पे ये रहा, ये डिटेल रहा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आफ्टर जस्ट दिस हमने ऑर्डर नाउ को लिखने के लिए हमने एक रेक्टेंगल को, अब ओवरऑल डिजाइन को भी हमें बैलेंस करना था, इधर थोड़ा हैवी वेट हो जा रहा है, मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइन थ्योरी में जाओगे तो वहां पे बैलेंस करना होता है किसी भी डिजाइन को, किसी भी टेम्पलेट्स को, तो इसको बैलेंस करने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे यहाँ रेक्टेंगल प्लेस किया हुआ है, उसी के जस्ट ऊपर ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ को लिखने के लिए हमने एंटोन फॉन्ट का यूज किया है, और इसी के जस्ट नीचे यू विल सी ए थिन लाइन, जो कि यहाँ पे एसेट्स में अगर आप देखो हैंडमेड अंडरलाइन डूडल है, इसको हमने प्लेस किया हुआ है, और यहाँ पे जो भी कंटेक्ट साइज गन है उसको हमने प्लेस किया हुआ है। सिंपल, हमारा टेम्पलेट्स अबाउट कंप्लीट हो चुका है, लगभग हमारा रेडी हो चुका है टेम्पलेट, और यहाँ पे थोड़ा इसको क्लासी लुक और बेहतरीन लुक और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कटआउट पीएनजी का यूज कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी जा सकते हो, बट मैं कहूंगा कि थोड़ा कटआउट यूज कर लोगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान देना, जो भी कटआउट्स हैं जैसे आप देखो इस आई विल जूम इट, ये थोड़े बहुत हाई क्वालिटी में है, एचडी में टाइप में दिख रहे हैं, है ना, काफी बेहतरीन है, वैसे होने भी चाहिए। तो इसको प्लेस करते टाइम पे एक चीज का ध्यान देना कि ब्लर अप्लाई करना होता है, ब्लर अप्लाई करने से ऐसा लगता है कि ये ड्रॉप हो रहा है, ब्लर और इस पे लिक्विफाई भी अप्लाई कर सकते हो, दो चीज। अब कैसे अप्लाई करना होता है, लेट मी शो यू दिस, जैसे सपोज मुझे ये चाहिए, आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर, इसको सॉर्ट कर लो जितना सॉर्ट करके रखना है, और उसके बाद से एडिट ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लर, जस्ट टैप ऑन दिस, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है होल इमेज, और इंटेंसिटी को आप इंक्रीज डिक्रीज करके आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको कितना ब्लरिनेस इस पे चाहिए। ब्लर अगर आप 50 से अबव रखते हो दैट इज मोस्ट फेवरेट फॉर्म हाई। उसके बाद से अगर इसको थोड़ा सा वर्ली टाइप में ऐसा देना है कि नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एप्स ऑप्शन पे अगर आप चाहोगे नीचे थोड़ा अगर इधर मतलब साइड में जाओगे तो लिक्विफाई एक दिख जाएगा, जस्ट इसको ओपन कर लेना। अब लिक्विफाई में आप इसको थोड़ा बहुत एक मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेल्ट है, उबल है, स्मियर है, स्मज है, फ्लो है, तो आप कोई भी एक सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसके अराउंड प्ले करो, प्ले करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से, अगर मैं इसको जूम करके शो करूँ, जैसे मेल्ट देखो ये मेल्ट हो गया, मेल्ट हमें नहीं चाहिए, मेल्ट स्केल थोड़ा सा इस तरीके से, और स्मियर थोड़ा सा ऐसे ऐसे ड्रॉपिंग टाइप में, यू कैन सी, और सेव कर दो। फिर इसके बाद से अगर आपको लगता है कि इस पर और थोड़ी चेंजेस चाहिए तो और भी चेंजेस कर सकते हो, इसी चीज का यूज करके मैं यहाँ पे इफ यू विल ऑब्जर्व दिस वन, इसको मैं छोटा कर दूँ, इस पे मैंने यू विल सी ब्लर अप्लाई किया हुआ है 60। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसके सबसे पहले तो इसमें बैकग्राउंड में वाइट था, मतलब एक वाइट बैकग्राउंड था, उसको मैंने रिमूव किया है, और उसके बाद से एडिट करने के लिए ब्लर अप्लाई किया है 44। एंड उसके बाद से ओनियन जो भी है स्लाइसेस, ओनियन स्लाइसेस में हमें केवल एक पीस चाहिए था, जो कि इधर एक पीस दिख रहा है और ये दो स्लाइसेस इसके दिख रहे हैं, उसी को चाहिए था, इसके लिए हमने यहाँ पे ब्लर अप्लाई किया है, एफ एल सी ब्लर 40, कभी कभी कम कभी ज्यादा, ये ओवरऑल प्ले करके आपको देखना है कि किस पॉइंट पे आपका ब्लर अच्छा लग रहा है।
एंड ट्रांसपेरेंसी को भी थोड़ा सा डिक्रीज किया हुआ है कि ये बैकग्राउंड में थोड़ा मर्ज हो और फोकस इस चीज पे जाए, क्योंकि हमने सोरमा के जस्ट बगल में रखा हुआ है, तो ये ओवरऑल डेप्थ का भी ख्याल रखते हुए हमने वो इस टेम्पलेट को क्रिएट किया हुआ है। एंड जस्ट बाई फॉलोइंग दिस यू कैन सी यहाँ पे भी मतलब हर एक पे कुछ ना कुछ ये जो कटआउट पीएनजी है उस पर ब्लर और थोड़े लिक्विफाई अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि डिजाइन थोड़े बेहतरीन और काफी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर दे। जस्ट बाई फॉलोइंग दिस स्टेप्स यू कैन सी हमारा टेम्पलेट बन के रेडी हो चुका है। और मैं एक और डिजाइन जो मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो डिजाइन है यू कैन सी यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज किया, ये भी मैंने एक लेआउट तैयार किया था बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, सो दैट्स वाई आई मेड दिस वन अनदर वन, और ये मेरे को बेहतरीन लगा। आई थॉट कि मुझे ये डिजाइनिंग स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको शेयर ऑप्शन पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसकी साइज को मैक्सिमम इंक्रीज कर लेना है, जो भी पेज है उस पेज को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे ये पेज को डाउनलोड करना है। अगर आप क्रिएट कर रहे होगे तो एक से दो पेज होगा, तो आप उनमें से कोई भी एक पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको साइज को लिमिट करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे साइज भी मेंशन कर सकते हो। ये एक नया फीचर है जो कि कैनवा में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, अगर नहीं चाहिए तो इसी तरीके से रहने दो, मैक्सिमम साइज इंक्रीज करके हिट द डाउनलोड बटन और आपका ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है। एंड अगर आपको इस टेम्पलेट का एडिटेबल वर्जन चाहिए तो यू कैन गेट दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको और भी मेरे टेम्पलेट्स को यूज करना है, जस्ट आपको यहाँ पे सर्च करना है एट द रेट आपका राजेश, यहाँ पे मेरे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, आप इन सारे टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। और इसके साथ ही यू कैन फॉलो मी हियर एट कैनवा ऑल्सो, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि 875 टोटल टेम्पलेट्स हैं। इफ यू विल गो टू द ग्राफिक्स यू विल फाइंड द ग्राफिक्स ऑल्सो, तो आप ग्राफिक्स को भी यूज कर सकते हो। एंड कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए, जैसे सपोज आपको हायरिंग से रिलेटेड कोई टेम्पलेट चाहिए, जस्ट सर्च हायरिंग यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स, आप किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करके कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करो और यूज कर सकते हो फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस विच आई यूज टू फॉलो टू क्रिएट ईच एंड एवरी सिंगल टेम्पलेट्स, जो भी आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख रहे हो या आप मेरे कैनवा प्रोफाइल पे देख रहे हो। एंड आई होप कि आपको ये मेरे प्रोसेस आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे डिजाइनिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस की जरूरत है, देन आई मोस्ट वेलकम योर फीडबैक ऑन दिस थिंग। एंड ऑल्सो अगर आपको और भी कुछ सीखना है या कुछ आपको समझ नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। एंड इसी के साथ में अगर आपको ऐसे और डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए, बस सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो टर्न ऑन नोटिफिकेशन बटन, सो दैट आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो, सी यू, कीप स्माइलिंग।